दोस्तों, क्या आप इन सवालों का जवाब जानते हो? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति खुश? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि में क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति गरीब व दुखी? एक व्यक्ति के पास बड़ा घर क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति झोपड़पट्टी में रहता है? एक व्यक्ति सफल क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति बुरी तरह से असफल? ऐसे कई सारे सवालों को जवाब आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा, और आपको इसी वीडियो में एक रहस्य जानने को मिलेगा जिसे आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, और इसी रहस्य को जानकर आज कई लोग सफल हो चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो में एक बुक जिसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसे इंग्लिश में द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड के नाम से जाना जाता है, उस पूरी बुक का निचोड़ है जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य कहाँ है तो आपका क्या जवाब होगा? मेरा मानना है कोई परमाणु ऊर्जा कहेगा, कोई बोलेगा ब्लैक होल, या तो फिर कोई बताएगा बरमूडा ट्रायंगल, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं। तो बात आती है सबसे बड़ा रहस्य है तो है क्या? जवाब आसान है, ये रहस्य है आपके अवचेतन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है, उसे हासिल करने के लिए आपको सिर्फ आपके मन की खुली आंखों से देखना होगा। वो खजाना है आपका अवचेतन मन। इस खजाने से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, चाहे वो धन हो, दौलत, पैसा, शोहरत, नाम, कोई भी मनचाही चीज़ आप इससे पा सकते हैं। एक लोहे के टुकड़े वाला चुंबक अपने भार से 10 से 12 गुना से अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन वहीं हम उसका चुंबकीय गुण हटा दें तो यह एक पंख तक नहीं उठा सकता। दोस्तों, इसी तरह से दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके अंदर चुंबकीय गुण होते हैं। चुंबकीय गुण वाले लोग आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखें जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होते, ऐसे लोग बड़ी तादाद में हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग डर और शंकाओं से भरे होते हैं, किसी भी अवसर को पाने से पहले ये खुद ही हार मान लेते हैं। दोस्तों, आप भी वो चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते इस वीडियो में बताए गए इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें। तो उससे पहले आप इसी समय अपनी आंखों को बंद करें और खुद से कहें, मैं एक सफल इंसान हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपका एक मस्तिष्क है, लेकिन इसके दो विशिष्ट भाग हैं जिन्हें हम चेतन अवचेतन या जागृत अर्धजागृत मन के नाम से जानते हैं। आप यहाँ ये मान सकते हैं आपका मस्तिष्क एक बगीचा है और आप उसके माली। आप हर दिन अपने मन के अंदर नए विचार के बीज बोते हैं। जैसा आपके मन में बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। आप आज से ये मान लें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है। तो उपजाऊ मिट्टी का मतलब आप समझते ही हैं, इसमें किसी भी प्रकार का बीज डाल दो वो उगेगा, चाहे वो कांटों का हो, चाहे वो फूल का हो, चाहे वो सब्जी का हो, वो उगेगा। तो मैं कहा था, आप आज से ये मान लें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है। आप इस मिट्टी में कैसे विचार रूपी बीज डालोगे वही आपके सामने होंगे। दोस्तों, बताया जाता है एक दिन में एक इंसान के मन में 50,000 से ज़्यादा विचारें आते हैं, जिनमें से 99% विचार नकारात्मक होते हैं, यानी नेगेटिव होते हैं, जिनकी वजह से हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन निकलते हैं, जिसकी वजह से हम दुखी, परेशान, पैसों की तंगी, परिवार में झगड़ा होता है। इसका हल आगे इसी वीडियो में डॉक्टर मर्फी द्वारा बताया गया है। दोस्तों, चेतन और अवचेतन मन को अच्छे से समझते हैं। चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है। कप्तान जो दिशा देगा वही दिशा जहाज पर उपस्थित पूरी टीम को फॉलो करनी पड़ती है। उसी हिसाब से जहाज का इंजन भी काम करता है। ना टीम को ना जहाज को ये नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, चाहे दिशा सही हो या गलत। हो सकता है जहाज चट्टानों से टकरा जाए, लेकिन कप्तान को कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वह बॉस है। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है। इसी तरह से आपका चेतन मन आपके शरीर, माहौल, विचार का कप्तान होता है। चेतन मन आपके विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर काम करता है। वही आपका अवचेतन मन जहाज की टीम की तरह बिना एक पल लगाए आदेश मान लेता है। और आदेश कौन देता है? चेतन मन। अगर आप खुद से ये कहते रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरे पास एक अच्छा घर नहीं है, मेरे पास एक अच्छी कार नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इस आदेश की पालना करता है और आपको वो सारी चीज़ें कभी हासिल नहीं होगी। ऑथर
डॉक्टर जोसेफ ने एक प्रैक्टिकल घटना बताई। उनकी एक छात्रा थी जो एक मॉल के सामने से निकल रही थी, तो उसकी नज़र एक कांच के डिस्प्ले में रखे एक सुंदर चमकीले बैग पर पड़ी। वो बैग इतना सुंदर था, उसे वो चाहिए था। जैसे ही उसने उसकी प्राइस देखी तो उसके मुंह से निकला, इतना महंगा। वह खुद से कहने ही वाली थी कि ये बैग मैं नहीं खरीद सकती। तभी डॉक्टर जोसेफ मर्फी का एक लेक्चर उन्हें याद आया, कभी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा ना करें, उस नेगेटिव सेंटेंस को तुरंत पॉजिटिव वे में बदल दें। उसने ऐसा ही किया, उस बैग को देखकर बोली, ये मेरा बैग है, इसे मैंने खरीद लिया। और दोस्तों उसी शाम को जो नीना का मंगेतर था वो एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आया, और उसी गिफ्ट बॉक्स में वो सुंदर चमकीला बैग था। उस दिन से नीना ने ये मान लिया था कि अवचेतन मन को दिया हुआ हर आदेश पूरा होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। इसी तरह से दोस्तों आपके मन में नेगेटिव बात आए तो उसे पूरा ना होने दें, उसे तुरंत पॉजिटिव वे में बदल दें। जैसे आपका दिमाग कहे किसी काम को लेकर, ये मैं नहीं कर सकता, तो आप तुरंत बोलें कि मैं ये काम को कर सकता हूँ। एक उदाहरण और बताता हूँ जो आपके साथ शायद जरूर घटा होगा। कभी आपको कहीं सुबह जरूरी काम से जाना हो या सफ़र करना हो तो आपकी नींद उस समय से पहले ज़रूर खुलती है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर एक नोट है, एक बात का बहुत अच्छे से विशेष ध्यान रखें, आपके अवचेतन मन में या अवचेतन मन को दिया हुआ हर आदेश पूरा होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यानी सकारात्मक हो या नकारात्मक। क्योंकि दोस्तों अवचेतन मन कभी झूठ सच सही गलत नहीं समझता, ये सिर्फ आदेश समझता है, और ना ही अवचेतन मन बहस करता है। आप अपने अवचेतन मन से मनचाही चीज पा सकते हैं। दोस्तों आपके अवचेतन मन की शक्ति में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि अवचेतन मन की शक्ति को समझाते हैं। आपके पास एक ऐसी अनोखी शक्ति है जिससे आप खुशी, पैसा, प्यार, घर, गाड़ी, सुखी परिवार चुन सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन की सहायता से अपने शरीर में से किसी भी प्रकार की बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। पुराने समय की बात है, एक व्यक्ति को जीभ पर लकवा हो गया था। फिर वह एक डॉक्टर के पास जाकर अपनी समस्या को बताता है। उस समय थर्मामीटर नया नया था, तो डॉक्टर बोलता है इस मशीन को इस बीमारी के लिए ही बनाया गया है, आपकी परेशानी इसे लगाते ही ठीक हो जाएगी। और दोस्तों वही हुआ उस व्यक्ति के साथ, उसका जीभ का लकवा पूरी तरह से ठीक हो गया। ये पावर है अवचेतन मन की शक्ति की। अब दोस्तों बात आती है कि अवचेतन मन की शक्ति तो हम समझ गए, लेकिन अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें, इसको उपयोग में कैसे लाएं? तो अवचेतन मन से आपको मनचाहे परिणाम पाने के लिए आपको कल्पना शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, ना कि इच्छा शक्ति। यहाँ पर कल्पना शक्ति का मतलब मैं बता दूँ, विजुअलाइजेशन पावर। दोस्तों इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। इच्छा शक्ति किसी भी धार्मिक स्थल पर बैठा एक शराबी वहाँ के प्रवचन सुन रहा होता है और बोलता है खुद ही अपने मन से, ये सभी लोग कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसीलिए एक दिन मैं भी शराब पीना छोड़कर इनका जैसा बनूंगा। यह उदाहरण था इच्छा शक्ति का। अब वहीं हम बात करें कल्पना शक्ति यानी विजुलाइजेशन पावर। उसी धार्मिक स्थल पर बैठा एक दूसरा शराबी, वह भी ये सोचता है ये सब लोग कितने अच्छे हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वह उसी दिन की तारीख अपनी डायरी में नोट कर लेता है और अपने आप से कहता है ठीक आज से एक वर्ष बाद मैं इसी दिन आऊँगा, तब तक मैं शराब पीना छोड़ चुका हूँगा। विजुलाइजेशन इच्छा शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। आपका अवचेतन मन विजुलाइजेशन पावर को पूरी तरह से समझता है और इसे पूरा करने की कोशिश करता है, और वो आपको वह सभी रास्ते दिखाता है जिनकी वजह से आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। दूसरे शराबी ने अपने आप को सुधारने को एक साल दिया, वहीं पहले शराबी ने कोई समय नहीं दिया, इसीलिए पहला शराबी कभी शराब नहीं छोड़ पाएगा। दोस्तों बाइबल में कहा गया है आप प्रार्थना में जो भी मांगोगे विश्वास करने पर वह आपको मिलकर रहेगा। अवचेतन मन को जागृत करने के तीन नियम हैं। सबसे पहला, किसी भी प्रकार की समस्या को या चुनौती को स्वीकार जरूर करें। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था उन शराबियों का कि शराब पीना एक समस्या है। पॉइंट नंबर टू, उस समस्या को अपने अवचेतन मन के हवाले कर दें, केवल वही इसे सुलझाने का तरीका जानता है। जैसे उस शराबी की तरह
अपने आप को याद दिलाएं, ठीक एक वर्ष के अंदर मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। आप गलत वे में मत लेना, मैं उस एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3, और इस बात पर गहरा विश्वास करें कि आपकी समस्या हल हो चुकी है। दोस्तों, अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाना होता है कि मैं वो काम कर चुका हूँ या मेरे पास वो चीज़ है। उसकी विजुलाइजेशन करो जैसे उस शराबी ने किया था। ऐसा करने पे क्या होता है, आपका अवचेतन मन आपके अंदर से शराब पीने की इच्छा को ख़त्म कर देगा। आप यहाँ पर किसी भी तरह की चीज़ें ले सकते हो। अगर आपको कोई काम करना है लेकिन आप नहीं कर पा रहे या आप उस काम को डर रहे हो करने से, तो सबसे पहले आप हिम्मत करें कि मैं वो काम को कर सकता हूँ, मैं उस लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ। जैसे आपको किसी एग्ज़ाम को फाइट करना है या किसी टारगेट को अचीव करना है, तो सबसे पहले उसे अपने दिमाग में सेट कर ले कि मैं वो टारगेट अचीव करके रहूँगा। उसके बाद में आपका अवचेतन मन इसे याद दिलाता रहेगा। और जो लास्ट वाला पॉइंट है, आप उसे समझो, जो आप टारगेट चुन चुके हो या आप पढ़ाई में जो चाहते हो उसे आप पहले ही हासिल कर चुके हो, आप ये मानकर अवचेतन को मैसेज दें। एक दूसरा तरीका भी है आपके अवचेतन मन को जागृत करने का, वो है अफर्मेशन। अगर आप अपने अवचेतन मन को यह फील करा दोगे जो चीज़ आपको चाहिए वो पहले से ही आपके पास है, आपको महसूस करना होगा जैसे आपको पैसा चाहिए, बाइक चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपके अवचेतन मन तक पहुंचा दो। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास एक सुंदर गाड़ी है, मेरे पास एक बड़ा बंगला है, मेरे पास एक अच्छा परिवार है। इससे आपका अवचेतन मन आपको पैसा, बाइक, घर सब कुछ दिला देगा। अफर्मेशन करने का सही समय होता है जब आपका अवचेतन मन जाग रहा हो। दोस्तों, अवचेतन मन कभी सोता नहीं, लेकिन उसको मैसेज भेजने का एक सही समय होता है। वो समय होता है सुबह जागने के ठीक बाद और रात को सोने से कुछ टाइम पहले, जब अपन आधी नींद में होते हैं ना, कच्ची नींद में, वो समय। दोस्तों, अगर आपने इस समय में अवचेतन मन को जो चाहिए वो मैसेज दे दिया, तो मैं 100% से दावा करता हूँ कि वो आपको चीज़ ज़रूर मिलेगी। अवचेतन मन के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है, क्योंकि आपका चेतन मन तो आपकी कुल दिमाग शक्ति का सिर्फ 10% हिस्सा है और वही आपका अवचेतन मन 90% हिस्सा। अपने चेतन मन के पास याद रखने की शक्ति कम होती है, वहीं अवचेतन मन की बात करें, स्मृति शक्ति असीमित होती है, अनलिमिटेड पावर। एक बार फिर अपनी आंखें बंद करें और अपने अवचेतन मन से कहें, मैं एक सफल इंसान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरा परिवार बहुत सुखी परिवार है। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।